कोई भी सरकारी काम आपका रुका हुआ है और आपने ऑलरेडी कंप्लेंट कर रखा है पीजी पोर्टल पर, पीएमओ पोर्टल पर या सीएमओ पोर्टल पर, और उस पोर्टल पर कंप्लेंट करने से आपका कोई भी वेल रिस्पॉन्स नहीं आया है, आपकी कोई भी हेल्प नहीं हुई है, तो आप डीपीजी पोर्टल पर एक बार जरूर ट्राई कर लीजिए। डीपीजी पोर्टल पर सरकारी जितना भी विभाग है वो सारा आ जाता है, जैसे रेलवे, पोस्ट, टेलीकॉम, शिपिंग, टूरिज्म, इन सरकारी विभाग से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम है या इनके अधिकारी से आपका कोई प्रॉब्लम है, आपका काम नहीं कर पा रहे, तो आप डायरेक्ट इस डीपीजी पोर्टल पर अपना कंप्लेंट रेज कर सकते हैं। फीडबैक फ्रॉम कंप्लेंट्स के ऑप्शन पर आप जाएंगे तो आप देख सकते हैं रेलवे की तरफ से, ईपीएफओ, पोस्ट की तरफ से, बैंकिंग की तरफ से, टेलीकम्युनिकेशन की तरफ से, सभी को यहां पर अच्छा खासा रिस्पांस मिला हुआ है, ठीक है, यानी कि इनका काम डीपीजी पोर्टल पर कंप्लेंट करने से निकल गया है। हो सके आपका भी कोई इस प्रकार का शिकायत होगा यानी कि प्रॉब्लम होगा, तो डीपीजी पोर्टल पर आप कंप्लेंट करेंगे तो आपका जो प्रॉब्लम है मे बी वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ डीपीजी पोर्टल पर आप 2024 में ऑनलाइन कंप्लेंट कैसे कर सकते हैं। तो एवरीवन, मेरा नाम है शंकर और आप देख रहे हैं शंकर डिजिटल क्लासरूम। इस वीडियो को आप एंड तक वॉच कर लीजिएगा, तभी जाकर के आप कंप्लीट प्रोसेस को समझ पाएंगे। और यदि हमारी वीडियो से आपकी थोड़ी भी हेल्प होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर रोज इसी प्रकार के यूनिक कॉन्टेंट्स अपलोड होते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आपको डीपीजी पोर्टल के ऑफिशियल साइट पर आना है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। साइट पर आ जाने के बाद आप यहां पर देख सकते हैं लॉज कंप्लेंट एंड व्यू स्टेटस, क्लिक कीजिएगा, आईडी जनरेट करने का पेज खुल करके आ जाएगा। यहां पर आपसे लॉगिन करने के लिए बोलेगा, उससे पहले आपको अकाउंट बनाना होगा। अकाउंट बनाने के लिए आप यहां पर ऑप्शन दिख सकते हैं रजिस्टर हियर का, क्लिक करेंगे, देन आपका फर्स्ट नेम, एज पर आधार कार्ड आपको यहां पर डाल देना है, जेंडर सेलेक्ट कीजिएगा मेल या फीमेल, इस डेट पिकर से आप अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लीजिएगा। एड्रेस, एज पर आधार कार्ड आपको डाल देना है इन तीन कॉलम में बांट बांट करके, ठीक है। कंट्री इंडिया ऑटोमेटिक सेलेक्ट रहेगा, आपका कौन सा स्टेट है आप यहां पर सेलेक्ट करेंगे। अपने एरिया का पिन कोड क्या है आपको यहां पर मेंशन कर देना है। फोन नंबर आप खाली छोड़ दीजिएगा, मोबाइल नंबर आपको यहां पर डाल देना है। आपका ईमेल एड्रेस वैलिड वाला यहां पर डाल देना है, जिससे आपका मोबाइल में लॉगिन हो और आप उसे बार बार ओपन करके देख सके। एजुकेशनल स्टेटस आपकी क्या है, अबव ग्रेजुएट, ग्रेजुएट, 12th पास, जो भी होगा आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लीजिएगा। नहीं पढ़े लिखे हैं तो इलिटरेट के ऑप्शन पर आपको क्लिक करवा देना है। एरिया ऑफ रेसिडेंस में यदि आप ग्रामीण इलाके से आते हैं तो रूरल का ऑप्शन पर क्लिक करना है, शहरी इलाके से आते हैं तो अर्बन का ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपकी ऑक्यूपेशन क्या है, आप कौन सा काम करते हैं, स्टूडेंट है, सरकारी एम्प्लॉय है, प्राइवेट एम्प्लॉय है, सेल्फ एम्प्लॉय है, हाउसवाइफ है, काम नहीं करते हैं, जो भी होगा आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लीजिएगा। आप लॉगिन आईडी किसे बनाना चाहते हैं, अपना ईमेल एड्रेस को या मोबाइल नंबर को, आप उस पर ही क्लिक कर लीजिएगा। हमारे केस में ईमेल एड्रेस को बनाना चाहते हैं तो ईमेल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। पासवर्ड आपको यहां पर डाल देना है, पासवर्ड आप कुछ इस प्रकार से डालिएगा, उसके बाद पासवर्ड को कंफर्म करना है, इस कैप्चा कोड को आपको यहां पर डाल देना है, देना पर आप देख सकते हैं सबमिट, क्लिक करेंगे, देन बोला जाएगा आपका रजिस्ट्रेशन यहां पर सक्सेसफुल हो गया। आपका जो यूजर आईडी एंड पासवर्ड है वो आपके ईमेल आईडी पर भेज दिया गया, ठीक है। लॉगिन करने के लिए आप यहां पर देख सकते हैं क्लिक हियर टू लॉगिन, लॉगिन पेज पर आ जाएंगे। लॉगिन आईडी आपने बनाया था ईमेल को या मोबाइल नंबर को, वो आपको यहां पर डाल देना है। पासवर्ड आप यहां पर डालिएगा, इस कैप्चा कोड को यहां पर डालेंगे, देन लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप इसके डैशबोर्ड पर लॉगिन हो जाएंगे। न्यू कंप्लेंट रेज करने के लिए आप यहां पर देख सकते हैं लॉज योर ग्रीवांस के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। देन कौन से विभाग में आपको कंप्लेंट करना है उसे आपको यहां पर से सेलेक्ट कर लेना है, जैसे बैंकिंग से लेकर के कोई प्रॉब्लम है, सीजीएचएस, सिविल एविएशन, एजुकेशन, इंश्योरेंस, पोस्ट, रेलवे, ईपीएफओ, जिस पर भी आपका कंप्लेंट होगा उसे आपको सेलेक्ट कर लेना है। आपको देख लेना है नेट पर जाकर के आपकी जो कंप्लेंट है वो कौन से विभाग में आएगा। देन बोला जाएगा डेट ऑफ कॉज का, यानी कि किस दिन आपके साथ में ये प्रॉब्लम हुआ है, उसका डेट आपको यहां पर से देना है। देन आपसे बोला जाएगा डीपीजी पोर्टल पर कंप्लेंट करने से पहले आपने इनके हायर अथॉरिटी को कंसर्न किया है, तो सिंपली आपको यस कर देना है, नो करेंगे तो आप कंप्लेंट नहीं कर पाएंगे। देन अथॉरिटी अप्रोच्ड में कौन से अथॉरिटी को आपने कंप्लेंट किया, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप अपने एरिया के किसी पोस्ट ऑफिस पर कंप्लेंट कर रहे हैं, तो वहां पर जो आपके एरिया में, आपके शहर में मेन पोस्ट ऑफिस होगा, वहां पर जाकर के आप जरूर कंप्लेंट करेंगे, तो वहां का एड्रेस या नाम आप दे सकते हैं। इतना आपको नहीं लिखना है तो डायरेक्ट लिख दीजिएगा मेन ब्रांच पोस्ट ऑफिस, डेट दे दीजिएगा जिस दिन आपने अप्रोच किया था उसका, डेट दे दीजिएगा जिस दिन भी आपने अप्रोच किया था, देन वहां से आपको कौन सा रिस्पॉन्स आया, नो रिस्पॉन्स आया तो नो रिस्पॉन्स, रिसोल्व करा दिया तो रिसोल्व,
और रिजेक्ट करा दिया तो रिजेक्टेड। सिंपली आप देख लीजिएगा नो रिस्पॉन्स के ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद आपने कोर्ट में, ट्रिब्यूनल में, जुडिशरी बॉडी में किसी प्रकार से इसके लिए कंप्लेंट रेज किया, किए होंगे तो यस करेंगे, अदरवाइज नो के ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा। कंप्लेंट का जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है यहाँ पर खुल करके आ जाएगा, जिसे आपको बारीकी से भरना है। एक भी मिस्टेक आप करते हैं तो आपका जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर आपसे पहले ग्रीवांस डिस्क्रिप्शन यानी कि आपके साथ में प्रॉब्लम क्या हुआ है यहाँ पर आपको मेंशन करना है, जिसके लिए आपको 4000 कैरेक्टर्स दिए जा रहे हैं। तो आप अपना कंप्लेंट कुछ इस प्रकार से लिखिएगा, कोई भी आगे वाला बंदा इस कंप्लेंट को पढ़ेगा तो वो बारीकी से समझ पाएगा कि आप क्या कहना चाहते हैं। देन पर्सनल डिटेल्स में आपका पूरा डिटेल यहाँ पर पहले से रहेगा, जिसमें नेम, जेंडर, आपका कंप्लीट एड्रेस, मोबाइल नंबर, ये सब पहले से रहेगा। अटेस्ट डॉक्यूमेंट में आएंगे, आपने कोई भी कंप्लेंट इसके रिगार्डिंग पहले से कर रखा है, जिसका कोई फोटो है, हार्ड कॉपी है, स्क्रीनशॉट है, उस चीज को अपने आधार कार्ड के साथ अटैच करके आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर देना है। अटैच कैसे करना है तो चूज फाइल का ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, देन जहाँ भी आपका वो होगा उसे आपको सेलेक्ट कर लेना है। देन यहाँ पर आप देख सकते हैं अटैच का ऑप्शन क्लिक करिएगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप सिर्फ पीडीएफ फाइल ही अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो पीडीएफ फॉर्मेट में आप उसे कन्वर्ट कर लीजिएगा। इस कैप्चा कोड को आप यहाँ पे डालिएगा, नीचे की ओर स्क्रॉल कीजिएगा, सबमिट फॉर्म का ऑप्शन मिल जाएगा, क्लिक कर दीजिएगा। देन आपका जो कंप्लेंट है यहाँ पर सक्सेसफुल रजिस्टर हो जाएगा। आपको अपना रेफरेंस नंबर भी जनरेट होकर के मिल जाएगा, जो आपके मेल पर आ जाएगा, SMS में आ जाएगा, और आपको इसे सर्विस रिगार्डिंग बार बार टेक्स्ट SMS भी आता रहेगा आपका कंप्लेंट अभी का स्टेटस उसका क्या है। अपने कंप्लेंट का स्टेटस ट्रैक करने के लिए आप यहां पर देख सकते हैं लॉज कंप्लेंट एंड व्यू स्टेटस के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। देन यहाँ पर आप देख सकते हैं चेक स्टेटस ऑफ योर ग्रीवांसेस, क्लिक करेंगे और जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिला है आप यहाँ पे डालिएगा, इस कैप्चा कोड को आपको यहाँ पे डालना है, देन सबमिट के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। तो आपके एप्लीकेशन का जो करंट स्टेटस होगा वो आपको यहाँ पर शो होने लगेगा। आप जब भी किसी के खिलाफ भी कंप्लेंट रेज कीजिएगा तो वो एक जेन्युइन कंप्लेंट होना चाहिए, क्योंकि आप DPG पोर्टल पर कंप्लेंट करते हैं तो इस पर एक्शन जो लिया जाता है वो पूरा स्ट्रिक्ट लिया जाता है। यदि कोई अथॉरिटी होगा उससे आपको कुछ भी और एक्स्ट्रा चाहिए होगा तो वो आपको फोन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मोबाइल नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको अपना मेल ID और आपका जो मोबाइल नंबर है वो हमेशा चालू मोड में रखना है और आपको इसे रिसीव करना है, यानी कि जो भी नंबर आपने प्रोवाइड किया है वो नंबर पर आप कॉल उठा सके, इस प्रकार से आपको कोई भी नंबर यहाँ पर देना है। यदि आपने कोई भी जेन्युइन कंप्लेंट यहाँ पर कर रखा होगा तो वो जो कंप्लेंट है वो विद इन 10 से 15 दिन के अंदर में रिसॉल्व हो जाएगा। और यदि आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है समझने में तो आप हमें कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं आपकी निश्चित तौर पर ही सहायता करने की पूरी कोशिश करूंगा। यदि आप सभी प्रकार के ऑनलाइन काम सीखना चाहते हैं, मुख्यमंत्री जी से कैसे शिकायत करें, राष्ट्रपति जी से कैसे शिकायत करें, प्रधानमंत्री जी से कैसे शिकायत करें, कंज्यूमर कोर्ट में कैसे शिकायत करें, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट ओपनिंग, आधार कार्ड, फूड लाइसेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हॉस्पिटल में ऑनलाइन बुकिंग, RTI फाइल करना, इस प्रकार के रोज हमारे चैनल पर कंटेंट अपलोड होते रहते हैं, तो आज ही सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल संकर्ष डिजिटल क्लासरूम को।